हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेपअप आईएएस करंट अफेयर्स डोज में आपका स्वागत है। 55th डोज पर पहुंच चुके हैं और लगातार करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें मिलते जा रहे हैं। आई होप इस सीरीज से आपका फ़ायदा हो रहा होगा। यहाँ पर एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ साथ गेस्ट ट्रेनिंग भी लेते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को क्रैक करना है, और जल्द ही वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगा जो सब्जेक्ट वाइज सेशन पर होता है। ठीक है, तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये जानकारी कोचिंग के बारे में है, इसमें पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम एक बेहतरीन प्रोग्राम है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। वेल क्लासरूम स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। जो नए लोग हैं, नए व्यूअर्स हैं, फ्रेशर हैं, उनके लिए बता दें, अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। एक डिफरेंट एंगल से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, और एक कोच होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से निगरानी करते हैं कि तैयारी किस दिशा में जा रही है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं। इस पूरे प्रोग्राम में आप अप्रोच कर सकते हैं, नंबर है 8750069419। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है इंडियन पैंगोलिन पर। इंडियन पैंगोलिन पर तीन स्टेटमेंट आपको गिवन है, करेक्ट चूज़ करना है इसमें से। पहला स्टेटमेंट है दैट इट हैज़ बीन कैटेगराइज एज इंडेंजर्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इंडियन पेंगोलिन का जो स्टेटस है दैट इज इंडेंजर्ड। दिस स्पेसीज इज सराउंडेड टू अकर ओनली इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो इंडियन पेंगोलिन होते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा स्टेटमेंट है स्पीसीज ऑल्सो अकर इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। मतलब इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी ये मिलते हैं इंडियन पैंगोलिन। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, ए इज ओनली वन, वन एंड टू, वन एंड थ्री, या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हिंदी में भी क्वेश्चन हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसलेटेड है। आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। सो द राइट आंसर इज सी, एंड सी का मतलब है वन एंड थ्री ओनली। ठीक है, इसमें सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और उसका सही आंसर होगा देखिए के फॉरेस्ट में पाए जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, IUCN में एंडेंजर्ड ही कैटेगराइज्ड है, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह अनाउंस किया है, कैश रीड्रॉ फॉर पीपल हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्मगलिंग ऑफ द स्पीसीज। तो लोगों को कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है, अगर कोई इंडियन पैंगोलिन का जो भी स्मगलिंग वगैरह हो रही है उसको उसकी जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है तो। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी ये स्पीसीज पाए। अगला सवाल आपके सामने है, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट न्यूज़ में होता है, किस चीज़ से संबंधित है? एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ग्लोबल स्टॉक टेक प्रोसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़, या फिर नॉन ऑफ देम। हिंदी में द सेम क्वेश्चन इज अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 के बारे में बताना है, व्यापार प्रणाली उत्सर्जन, वैश्विक स्टॉक टेक प्रक्रिया, क्षमता निर्माण गतिविधियाँ, या इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। तो बताइए सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इज ए, कार्बन एमिशन के ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 6, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो मैड्रिड में पूरा सम्मेलन हुआ UNFCCC का, COP25 के नाम से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि वहाँ पर कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया, लेकिन कई बार स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्टिकल 6 भी न्यूज़ में है, इसलिए याद रखिएगा, कार्बन एमिशन की ट्रेडिंग पर, ये जो मार्केट मैकेनिज्म है इसी पर सारा मुद्दा टिका हुआ था, जिस पर बातचीत नहीं हो पाई, मतलब इस पर सफलता हालांकि इस मीटिंग में भी नहीं मिल पाई है। तो इससे क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं, इसका बेसिक फैक्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के ऊपर बनाया गया है, आज इसमें आर्टिकल भी डिस्कस किया हम लोगों ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP, या फिर OECD? देखिए, अभी आपके लिए इन सब क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है, क्योंकि आपने अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में सुना है, या न्यूज़ में सुना है आपने, तो इट्स वेरी इजी टू गिव आंसर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें 31 मई के एग्ज़ाम में जब आप प्रीलिम्स में बैठेंगे, तब आपको ये सारे फैक्ट्स याद आने चाहिए, आपको इंडिया का पोजीशन याद आना चाहिए, टॉप किसने किया था,
इसके जो डायमेंशंस है वो आज आपको बताया गया है कि कौन कौन से डायमेंशन पर एग्जैक्टली ये जेंडर गैप रिपोर्ट निकाला जाता है, इंडिया का क्या नंबर है, क्या पॉइंट्स हैं, तो 0.668 है से इंडिया का, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है इंडिया। तो इसको लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है ये रिपोर्ट, जिसको अभी हाल ही में रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, 112वें पोजीशन पर इंडिया है, और इसमें अंत में कौन है, यमन है, और 152nd पोजीशन पर इराक है, और 151 पोजीशन पर पाकिस्तान है। तो ये लास्ट के टॉप थ्री कंट्री हैं, और जो टॉप के थ्री कंट्रीज हैं उनमें किसका किसका नाम है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, और एक बार उसको देख लें कौन कौन से टॉप थ्री में हैं। इसके अलावा श्रीलंका, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इन सभी का पोजीशन इंडिया से बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने गिवन था कि उनमें से कौन कौन से रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, तो UNDP की बात करें तो वो रिलीज़ करता है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को, ये याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कई बार। जेंडर गैप रिपोर्ट WEF के द्वारा निकाला जाता है, और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स UNDP के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जेंडर पैरिटी इंडेक्स यूनेस्को के द्वारा निकाला जाता है। तो ये सब बहुत आसपास के वो हैं, टर्म्स हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है कई बार। जेंडर लिखा हुआ जहाँ पर होगा तो ऐसा नहीं कि WEF ही उसका आंसर होगा। तो ये आप इसमें इनइक्वलिटी, जेंडर गैप, पैरिटी, इन सब से आप कोड बना सकते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स सिगी रिपोर्ट, ये निकाला जाता है OECD के द्वारा, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी न्यूज़ में क्यों है, आपको पता होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो तोड़फोड़ हुआ था जामिया यूनिवर्सिटी के पास, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है, और उसी में डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का जिक्र आया था। तो कौन कौन से डायरेक्शंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो आपको देखना है। पहला है, द प्रोसिक्यूशन शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट पब्लिक प्रॉपर्टी हैड बीन डैमेज्ड इन डायरेक्ट एक्शन कॉल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको माना जाएगा, तब उसमें ये वाला एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जानबूझ करके पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म किया जाता है, द बर्डन ऑफ प्रूफ कैन बी शिफ्टेड टू द एक्यूज्ड टू प्रूव हिज इनोसेंस, अगर प्रूफ कर दिया जाता है कि नहीं उनके द्वारा गलती नहीं की गई है या तोड़फोड़ नहीं किया गया है, तो फिर उसको छोड़ा जा सकता है। द नरिमन कमिटी डेल्ट विद एक्सट्रैक्टिंग डैमेजेस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो क्या नरिमन कमिटी इस चीज़ से संबंधित है कि नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इसमें से करेक्ट चूज़ करना है, 3, 1, 2, 2, 3 या 1, 2, 3, तीनों ही सही होंगे। आंसर इज डी, तीनों ऑप्शंस इसमें से बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही दिए हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम नरिमन कमेटी था, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे कि कैसे हम डैमेजेस को कम कर सकते हैं, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं लोग या पब्लिक प्रॉपर्टी के तोड़फोड़ करते हैं उसको कैसे हम क्या काउंटर कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, तो कैसे भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपसे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कैटरपिलर फंगस को लेकर के, अभी न्यूज़ में है ये, इसमें तीन स्टेटमेंट गिवन है, करेक्ट चूज़ करना है। पहला है, इट इज़ कॉल्ड एज द हिमालयन गोल्ड एंड लोकली नोन एज खीरा जारी इन इंडिया, तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये सही है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, एंडेमिक है तिब्बतन प्लेट्यू में, और तीसरा स्टेटमेंट है, दैट सीमिंगली बीइंग यूज्ड इन ट्रेडिशनल तिब्बतन एंड चाइनीज़ मेडिसिन या तिब्बतन मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। अब इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप बस इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, इस तीन स्टेटमेंट को, तो आपको ऐसा लगेगा कि तीनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, एक तो इसका नाम हिमालयन गोल्ड इसको कहा जाता है, ठीक है, दूसरा ये एंडेमिक है तिब्बतन प्लेट्यू में, ये भी बिल्कुल आसपास है स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका यूज़ होता है मेडिसिन में, तो तिब्बतन प्लेट्यू में पाया जाता है तभी तो इसको तिब्बत या चाइनीज़ मेडिसिन में इस्तेमाल में लाया जाता है, और शायद इस वजह से इसको हिमालयन गोल्ड कहा जाता है। तो ये इस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा, और इसके अकॉर्डिंगली आप एक बार गेस कर सकते हैं अपना आंसर किसका क्या आंसर होगा। उसका आंसर सी है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में है।
अगला सवाल है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन से जुड़ा हुआ, NBM। अब इसमें तीन चार स्टेटमेंट है, ए बी सी डी चूज करना है आपको, किस चीज़ से संबंधित है ये जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है NBM, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएं। द राइट आंसर इज बी, ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ही जुड़ा हुआ है और रूरल एरियाज़ में जो प्रोवाइड किया जा रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इससे जुड़ा हुआ है, अफोर्डेबल बनाने के लिए इस पूरे मिशन को लॉन्च किया गया है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट्स भेजें, आपको कैसा लगता है, कितना फ़ायदा होता है, क्या और ऐड किया जाना चाहिए, अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।